वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। जी दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2019 में आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जी दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्टेप है, सिर्फ एक मिनट में आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आपको किसी आधार कार्ड की PDF का पासवर्ड नहीं पता है, जो उसमें पासवर्ड डाल के उसको ओपन करते हैं वो नहीं पता है, तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, पासवर्ड को कैसे हटा सकते हो, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो पर विजिट किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की PDF और नोटिस आपको मिलता है, हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, एडमिट कार्ड रिजल्ट, नोटिफिकेशन सभी की वहाँ पे PDF और नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे बात करें हम आधार कार्ड के बारे में कि आप आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में ही। सिर्फ 3-4 सिंपल स्टेप है, वो उसको आपको फॉलो करना है और आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। जी दोस्तों, ये आधार कार्ड की मेन वेबसाइट पर, इसको आपको यहाँ पर आना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पर क्लिक करके मेन वेबसाइट पर आ जाओगे। आपको नीचे जाना है, नीचे जाने पर आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कि गेट आधार कार्ड। दोस्तों, आपको अगर आधार कार्ड गेट करना है तो यहाँ पे आधार कार्ड गेट आधार कार्ड पे आप कर सकते हो। इसमें फिर नीचे कि बहुत सारे ऑप्शंस है, वेरीफाई द आधार कार्ड नंबर, वर्चुअल ID, जनरेट, लॉक, अनलॉक, बायोमेट्रिक्स, ये सभी प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है आप घर बैठे ही कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करें कि आपको आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल स्टेप है, आप घर बैठे ही कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको गेट आधार कार्ड पर आपको आना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड आधार कार्ड, ये वाला ऑप्शन आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक नया पेज ओपन होता है। जी दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे आधार का नंबर और दूसरा एनरोलमेंट नंबर, तीसरा यहाँ पर वर्चुअल आईडी नंबर। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है, आपका आधार नंबर हो या फिर आपको एनरोलमेंट आईडी नंबर हो या फिर आपको वर्चुअल आईडी नंबर हो, तो आप वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। मेरे पास आधार नंबर है तो मैं आधार नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है आई वॉन्ट ए मास्क्ड आधार, अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आपको एक मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड हो जाता है, जिसमें आपको आधार नंबर शो नहीं होता है, लास्ट की 4 डिजिट आपकी आधार कार्ड नंबर की जो है वो शो होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मास्क्ड आधार कार्ड नंबर, मास्क्ड आधार कार्ड कैसा होता है। जहाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो नंबर दिख रहा है आधार नंबर है, लेकिन इसमें जो आधार नंबर की लास्ट 4 डिजिट है वो शो हो रही है, ये मास्क्ड आधार नंबर है, यानी मास्क्ड आधार कार्ड है। अगर आप उस पर टिक करते हो तो उस प्रकार से आपका ये डाउनलोड होगा, इसमें आपका आधार नंबर शो नहीं होगा, तो उस वजह से उस पर टिक ना करें। उसके बाद सिंपली आपको इस पर टिक नहीं करना है, और उसके बाद आपको नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना, और उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है सेंड OTP, सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP आपका मोबाइल नंबर पर OTP जाने के बाद आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई एंड गेट आधार कार्ड आपको कर लेना है। वेरीफाई एंड गेट आधार कार्ड करने के बाद अब वो आपकी PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी, वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आपकी PDF डाउनलोड हो जाती है, जब उसको आप ओपन करते हो तो उसमें एक पासवर्ड मांगता है। सपोज करो कि आपका नाम जो है विकास है, VIKASH विकास, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1991, तो आपको वहाँ पर पासवर्ड क्या डालना है, आपको डालना है VIKA, यानी अपने लेटर की 4 डिजिट जो स्टार्टिंग की आपकी है वो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ का सन 1991, आपको ये एंटर कर लेना है वहाँ पर, तो आपका जो है आधार कार्ड की PDF आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको उसको प्रिंट करा के लेमिनेट करा लेना है, वो आपका हर जगह वैलिड होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर किसी कारण आपकी आधार कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया और आपको वो नहीं खुल रहा है, पासवर्ड डालने के बाद भी नहीं ओपन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पासवर्ड को आपको रिमूव कर लेना है। बार बार आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बारे में भी आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। यस, तो ये एक साइट है online2pdf.com, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको देख सकते हो।
और यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। आपको नीचे आना है, या आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करके आपको यहाँ से जो है ये जो दिख रहा है आधार वाली ये पीडीएफ जो है, मैं इसको ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पर क्लिक होने के बाद ये जो पीडीएफ है ये 100% हो गई है, ये कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद जब आप इसको ओपन करते हो तो ये ओपन होगी विदाउट पासवर्ड के, आपकी ओपन हो जाएगी। अगर किसी कारण आपकी ओपन नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पर ये ओपन नहीं हुई है, इसने एरर दे दिया, तो आपको क्या करना है, फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी फाइल है इस पर आपको यहाँ पर एक लॉक दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पासवर्ड आपका मांग रहा है, यानी जो आपका पासवर्ड है पीडीएफ का आपको वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। मैंने बताया था विकास 1991, यानी VIKA और 1991 आपको ये यहाँ पर एंटर कर लेना, और उसके बाद आपको कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के बाद ये विदाउट पासवर्ड आपका सक्सेस हो जाएगा, और विदाउट पासवर्ड के ही जितनी बार ये डाउनलोड कर लोगे और जितनी बार इसको ओपन करोगे विदाउट पासवर्ड के ही आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि आपका पासवर्ड जो है वो ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आप इसे कहीं भी विदाउट पासवर्ड के यूज़ कर सकते हो। यहाँ तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कोई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक ले जाएंगे।